शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फडणवीस 100 जन्म लेकर भी नहीं समझ पाएंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। बता दें कि संजय राउत की टिप्पणी फडणवीस के दावे पर आई है। उन्होंने दावा किया था कि शरद पवार ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए 3-4 नामों को चुना था, लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम नहीं था। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा, क्या 2019 में फडणवीस को पता था कि शरद पवार क्या सोच रहे थे और क्या योजना बना रहे थे? फडणवीस 100 बार जन्म ले ले तो भी नहीं समझ पाएंगे कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर राज्य की सत्तारूढ़ सरकार में हिम्मत है तो चुनाव का आह्वान करना चाहिए।